वेलकम टू जीके वर्ल्ड। देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नोबेल प्राइज़ 2019 के सभी फैक्टेबल क्वेश्चंस, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। याद रखिएगा कि नोबेल प्राइज़ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, और आपको पता है कि नोबेल प्राइज़ 2019 के जो है प्राइज़ वितरण भी शुरू हो चुके हैं, अनाउंसमेंट भी शुरू हो चुके हैं, तो इस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस बनना लाजमी है। और आपको पता है लगभग बहुत सारी परीक्षाएँ अभी पेंडिंग है, जैसे कि रेलवे की परीक्षा है, यूपी पुलिस की परीक्षा है, बिहार पुलिस की परीक्षा है, दिल्ली पुलिस की परीक्षा है, SSC का ये एग्ज़ाम्स कराएगा। लगभग सभी परीक्षाओं में नोबेल पुरस्कार से जो है प्रश्न बनते हैं, और श्योरिटी बनते हैं या इस टॉपिक को एग्ज़ाम वाले कभी स्किप नहीं करते, ठीक है। तो आपको प्रश्न मिलेंगे ज़रूर, और आज हम इस वीडियो में आपको पूरे जो फैक्ट हैं उनको भी बताएंगे, और बहुत ही आसान भाषा में हम इस टॉपिक के सभी प्रश्नों को आपको समझा देंगे। अभी हम इसको पहले डीप से पढ़ते हैं, फिर बाद में हम इसी वीडियो के नीचे हमने क्यूज़ भी दिए हुए हैं, उन्हें आप लगा लीजिएगा टेस्ट टाइप के। इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको स्थायी रूप से याद हो जाएंगे, और मैं श्योरिटी बोल रहा हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वहाँ पर आपको इस टॉपिक से जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं और कब से स्टार्ट हुए, ये सब चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम्स में। देखिए क्या बोलें कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। याद रखा, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के वैज्ञानिक थे, तो आपको याद रखना है स्वीडन के ये क्या थे, वैज्ञानिक थे, और इनकी ही याद में जो है नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया गया था, ठीक है। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए ये शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। तो इस क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में जो है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके बनते हैं। अगर हम बात करें नोबेल प्राइज 2019 की, तो देखिए यहाँ से फैक्ट स्टार्ट होते हैं और आपको बहुत अच्छे से देखना है। देखिए शांति का नोबेल प्राइज, ठीक है, 2019 में किसे दिया गया, पहले इनके बारे में थोड़ा सी जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए शांति के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, और इस बार शांति का जो है पुरस्कार जो दिया जाएगा इथोपिया के प्रधानमंत्री एबे अहमद अली को दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि इस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री को दिया गया। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका यहीं पर है, इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा, एबे अहमद अली को जो है इस वर्ष शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। इसका क्यूज़ है नीचे, आप लगाइएगा, आप टेस्ट सीरीज की तरह लगा लीजिएगा, आपको पूरे क्वेश्चन स्थायी रूप से याद हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो हम हर फैक्ट आपको समझाते चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर बात करते हैं कि वह इथोपिया के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया। तो याद रखिएगा, अब तक जो है इथोपिया के किसी भी पर्सन को जो है नोबेल प्राइज नहीं मिला था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री को ही डायरेक्टली क्या मिल गया है, और नोबेल प्राइज मिल गया है शांति के लिए, ठीक है। तो अच्छा टॉपिक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक बात और आपको याद रखनी है, शांति के क्षेत्र में दिया गया यह जो है सवा नोबेल पुरस्कार है, यानी 100th century हो गई है शांति के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कारों की। ये क्वेश्चन भी आपको छोटी देखा जा सकता है, आपको एग्जाम्स में बन भी सकता है, क्योंकि भाई सेंचुरी हो चुकी है इस नोबेल प्राइज की, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि शांति के क्षेत्र में कई नोबेल प्राइज जो है हर बार दिए जाते हैं, और कभी कभी इनकी संख्या बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र की नोबेल प्राइज, तो यहाँ पर थोड़ा सी आपको क्या है, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन थोड़ा सी घुमा फिरा के दिया जा सकता है। देखिए क्या हुआ था कि सन 2018 में, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि सन 2018 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था, और सन 2018 के जो नोबेल प्राइज की घोषणा भी कर दी गई है 2019 में ही, ठीक है। तो 2018 का भी दिया गया और 2019 का भी दिया गया, तो दोनों लोगों के नाम को अच्छे से याद रखना, और यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। आपको याद रखना है कि पोलिश लेखक हैं ओल्गा टोकारजुक, ठीक है, इन्हें 2018 के लिए साहित्य के क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें पीटर हैंड का, तो इन्हें 2019 के लिए जो दिया गया है साहित्य का क्षेत्र का जो है नोबेल प्राइज, ठीक है। दोनों के नाम याद रखना है, दोनों के सन याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ अगर आपने थोड़ी सी गलती करी तो आपको बड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है। अब
देखिए, अब हम बात करेंगे रसायन के क्षेत्र के नोबेल प्राइज़ की, जो कि 2019 में दिए गए और ये अपने में ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको शॉर्टेज देखने को मिलेंगे। देखिए, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जो दिए गए इस वर्ष 3 वैज्ञानिकों को दिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है आपका कि कितने वैज्ञानिकों को जो है रसायन के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो 3 वैज्ञानिकों को ये नोबेल प्राइज़ इस वर्ष दिया गया है, और किस लिए दिया गया ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए इन्हें जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इन वैज्ञानिकों को नाम याद रखना आपको, क्योंकि यहां से जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो यानी कि जॉन बी गुड इनफ है एक वैज्ञानिक है, एम स्टेसले विस्टिंग और एक है अकीरा योशिनो। ठीक है, इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन तीनों ने जीता इस वर्ष का रसायन के क्षेत्र का नोबेल प्राइज। आप देखिए, नोट है इसको, आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको छोटे प्रश्न देखने को मिल जाएगा। देखिए, वैज्ञानिक जॉन बी जो है गुड इनफ की जो उम्र है 97 ईयर की है, इसलिए वे ये इस पुरस्कार को जीतने वाले सबसे उम्र के वैज्ञानिक बन गए, यानी सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं, और इन्होंने ये जो है नोबेल प्राइज जीता है रसायन का, क्या नाम है, जॉन बी गुड इनफ। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भौतिक के क्षेत्र का नोबेल प्राइज। तो देखिए, यहाँ से भी प्रश्न आपको छोटे देखने को मिलेगा। देखिए क्या बोल रहे हैं कि कनाडा मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ठीक है, क्या है, कनाडा मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जेम्स पीबल, इनको दिया गया है भौतिक के क्षेत्र का नोबेल प्राइज। फिर क्या है, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों यानी माइकल मेयर एंड डीडियर क्लेलोज, इन्हें दिया गया है संयुक्त रूप से जो है भौतिक के क्षेत्र का नोबेल प्राइज। किस लिए दिया गया, इनकी उपलब्धियां भी देख लेते हैं। देखिए, जो है जेम्स पीबल को दिया गया है ब्रह्मांड विज्ञान में नए सिद्धांत को रखने के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसे ब्रह्मांड विज्ञान में नए सिद्धांत रखने के लिए जो है भौतिक के क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया गया। तो जेम्स पीबल को, और मिशेल मेयर और डीडीआर क्लोलर्स को सौर मंडल से परे एक और ग्रह खोजने के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न छोटी आपको देखने को मिल ही जाएंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में इस साल जो है कितने वैज्ञानिकों को जो है नोबेल प्राइज दिया गया। तो आपको याद रखना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज दिया। देखिए, एक आपका रसायन के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को दिया है, फिर भौतिक के क्षेत्र में भी 3 वैज्ञानिकों को मिला है, 2 को संयुक्त रूप से और 1 को अपने अलग है। ठीक है, तो वहाँ पर भी 3 लोग को, चिकित्सा के क्षेत्र में भी 3 लोगों को, और आपका जो है रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को, और भौतिक के क्षेत्र में भी 3 लोगों को, यानी 3-3 लोगों को, यानी कुल 6 लोगों को इस बार जो है प्राइज दिए जा चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे किन किन को दिया गया, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने वाला है। तो देखिए, अमेरिका के जो है विलियन कैलिन को दिया गया है। ठीक है, किसका, चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल प्राइज। फिर जो है ग्रेग सिमोजा, और जो है ब्रिटेन के पीटर रेडक्लिफ, इनको दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल प्राइज। ठीक है, तो देखिए, ये तो थोड़ा सा हमारे डीपली क्वेश्चन से, अब इसके हम क्यूज की बात कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन आपको स्थायी रूप से क्या हो जाए, ये याद हो जाए। देखिए, हम बात करते हैं अब क्वेश्चन की, जो कि क्यूज आपको लगाने हैं। देखिए क्या, पोलिश लेखक ओल्गा टोकारजुक को किस वर्ष के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, अभी मैं आपको ऊपर बता कर आया। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा याद है तो आप इसका आंसर कर सकते हो, अगर नहीं भी याद है भाई तो देख लीजिए, हमने बोला ना, रिपीट करूंगा, क्यूज लगाऊंगा, ताकि आपको ये स्थायी रूप से याद हो जाए। तो पोलिश लेखक ओल्गा टोकारजुक को जो है सन 2018 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो भी किस, लिटरेचर यानी साहित्य का। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पीटर हैंड का जो है 2019 में जो है किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनके यानी पीटर हैंडका को 2019 का किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए, 2019 का किसे दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में पीटर हैंडका को, याद रखिएगा, पीटर हैंडका को 2019 का साहित्य का क्षेत्र का जो है नोबेल प्राइज दिया गया है, और 18 में किसे दिया गया है, ओल्गा टोकारजुक को। ठीक है, दोनों के नाम आपको रट गए होंगे। अब हम बात करेंगे सन 2019 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रधानमंत्री एबे अहमद अली को दिया गया, अभी मैंने भी आपको ऊपर बताया था, और यह जो है किस देश से संबंधित, और आपको मैंने भी बताया था कि आपसे इनसे देश जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि इस देश ने फर्स्ट टाइम जो है नोबेल प्राइज जीता है, तो वो देश है आपका इथोपिया। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री एबे अहमद अली जी को क्या मिला है, इस वर्ष का नोबेल प्राइज मिला है, उसके लिए शांति के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सन 2019 में शांति का कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये को टॉपिक देखिए हमने ऊपर बताया था आपको, याद है,
सौ नंबर का, मैंने बताया था कि सवा है ये इस बार का शांति नोबेल पुरस्कार, तो सौ नंबर के शांति का जो है नोबेल पुरस्कार हो गए हैं 2019 में। ठीक है, अब हम बात करें लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे 2019 के रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए इन तीनों के नाम हमने आपको बताया था, क्योंकि तीनों लोगों को ही क्या दिया गया है नोबेल प्राइज़ जो दिया गया है 2019 का, ठीक है, रसायन के क्षेत्र का। अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक जॉन बी गुड इनफ किस देश के वैज्ञानिक हैं जिन्हें 97 साल की उम्र में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया, इसलिए वह इस पुरस्कार को जीतने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के वैज्ञानिक बन गए। तो देखिए हमने आपको ऊपर ये तो बता दिया था कि 97 ईयर्स के हैं, ये भी बताया था कि इन्हें जो है रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है और सबसे उम्र दराज भी हैं, पर ये आपको हम बताना भूल गए थे वहाँ पर कि किस देश के हैं, और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि ये अमेरिका के हैं और इन्हें ये प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीटर जो हैं रेडक्लिफ जो है किस देश के वैज्ञानिक हैं जिन्हें हाल ही में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। पीटर रेडक्लिफ, मैंने अभी ऊपर बताया आप लोगों को, अगर आपको याद हो तो ये ब्रिटेन के हैं और इन्हें जो है इस नोबेल पुरस्कार से क्या गया है सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये थे सभी फैक्टेबल 2019 के जितने भी नोबेल पुरस्कार जो दिए जा चुके हैं या जिनकी घोषणा हो चुकी है उस क्षेत्र के। अभी एक नोबेल प्राइज़ बता है, वो है अर्थशास्त्र का। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, आपको जैसे ही वो उसके अनाउंसमेंट होती है, जैसे उसको प्रोवाइड किया जाता है, हम आपको बता देंगे। ठीक है, बाकी सारे नोबेल पुरस्कार जो है आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।